तो आप देख रहे हो कि इंडिया वर्सेस विंडीज ओडीआई सेकंड मैच शुरू होने वाला है, तो इसके फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगा हम आपको दिखा देते हैं। चलिए विंडीज का प्लेइंग 11 है, हेमराज, किरण, पाउल, साई होप जो कि विकेट कीपर है, हिटमायर, मार्लन, सेमोल्स, रोबमैन, पॉल, जैसन होल्डर जो कैप्टन है वेस्ट इंडीज का, नोर्स, थॉमस, देवेंद्र, बिसो, केमार, रोच, ये लोग खेलते हुए देखेंगे। तो आप देखते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली एक बेहतरीन कैप्टन, अंबती रायडू, ऋषभ पंत, MS धोनी जो विकेट कीपर है, रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव, इन दोनों में से जो भी एक खेलते हुए देखेंगे आप, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, केएल अहमद, तो ये लोग आपको इन प्लेयर आपको खेलते हुए देखेंगे। तो ड्रीम 11 का प्लेइंग 11 आप क्या रखे इसके बारे में हम बताते हैं आपको। चलिए आई होप MS धोनी ये दोनों ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर, तो आप साई होप को ले सकते हो या MS धोनी को, तो मैं साई होप को ही लेता हूँ। बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, हेटमार, अंबती रायडू को भी ले सकते हो आप, किरण पाउल एंड ऋषभ पंत, तो मैं लेता हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन पिछले पारी में कुछ अच्छा नहीं प्रदर्शन किया है तो इसको हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिमरन, किरण पाउल एंड ऋषभ पंत, तो ऑलराउंडर की बात करें तो जैसन होल्डर को हम लेते हैं, बॉलर की बात करें तो युजवेंद्र चहल, बिसो, मोहम्मद शमी, केमन रोच और कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में तो आपको पता ही है, कैप्टन हम विराट कोहली को रखेंगे एंड वाइस कैप्टन किरण पाउल को रखेंगे या फिर सिमरन हेटमायर इसको रख सकते हैं हम, या फिर आप जैसन होल्डर को भी रख सकते हो। तो देखिए मेरा टीम हो गया।